أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنذل. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. हम जो है वो सूरह बकरा के दो रुकू जो है उनका मुताला कर चुके हैं। तो पहले दो रुकू में अल्लाह ताला ने तीन तरह के लोगों का जिक्र फरमाया है। उससे अगर हम देखें तो एक चीज जो समझ आती है वो ये भी है कि अल्लाह की निगाह में लोगों की तकसीम मुख्तलिफ। हमारे यहाँ जो लोगों की तकसीम है वो मुख्तलिफ है, हम लोगों को मुख्तलिफ तरीके से कैटेगराइज करते हैं आजकल। लेकिन अल्लाह ताला ने जो तीन गुरु बताए हैं वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक वो तीन गुरु जो है वो मौजूद रहेंगे, और असल तकसीम यही है। और इससे ये भी पता चलता है कि असल तकसीम जो है वो मजहब की बुनियाद पर है, रंग नसल या कौम की बुनियाद पर नहीं है। तो वो तीन तकसीम क्या है कि अल्लाह की दावत के मामले में, अल्लाह ताला पर ईमान लाने के मामले में, अल्लाह की तरफ रजू करने वाले के मामले में जो है वो लोग तीन तरह के होते हैं। या तो ईमान लाते हैं, या उसका इनकार करते हैं, या मुनाफिक होते हैं। चौथी कैटेगरी नहीं है। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो आजकल हमारी तकसीम है, कोई पाकिस्तानी है, कोई अफगानी है, कोई सऊदी है, कोई ईरानी है, या कोई अमेरिकन है, वो नहीं है। इसी तरह कोई पंजाबी है, कोई पठान है, कोई बलोच है। तो अल्लाह ताला के यहाँ तकसीम क्या है, या मोमिन है कोई, या काफिर है, और या मुनाफिक। तो असलन जो है आखिरत के हवाले से हमें ये देखना है कि हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और एक बात तो यह है जिमनी बीच में आ गई कि एक चीज तो बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि मैं किसी जगह पे पैदा हुआ हूँ, इसमें मेरी अपनी कोई सलाहियत नहीं। मैं अगर पंजाब में पैदा हुआ हूँ तो मैं खुद तो पैदा नहीं हूँ, अल्लाह ने पैदा कर दिया। अगर मैं बलोचिस्तान में हो जाता तो बलोची होता, अगर मैं अमेरिका में पैदा हो जाता तो अमेरिकन होता। तो ये कोई किसी कौम में पैदा हो जाना, किसी कास्ट में पैदा हो जाना, ये इंसान की कोई फख्र वाली बात इसलिए नहीं है कि वो अल्लाह ताला सेलेक्ट करता है। कोई जो है वो चौधरी के घर पैदा हुआ है, कोई जो है वो जो है अंसारी के घर पैदा हुआ है, या कोई जो भी तकसीम है हमारे यहाँ उस नस्लों की, तो उस हिसाब से भी कोई बड़ी नस्ल या छोटी नस्ल नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह की सिलेक्शन है। तो उसमें कोई एजाज इख्तियार वाली बात नहीं। अच्छा, वो जो तीन लोग थे उनके मुख्तलिफ करेक्टर हमने देखे थे, मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला ने काफी डिटेल से बताया 13 आयात में जो है। अल्लाह ताला जो है वो तमाम लोगों को है वो मुखातब कर रहे हैं कि या यूहन्नास, ऐ लोगो, अपने उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले गुजरे हैं, ताकि तुम मुत्तकी बनो। तो अल्लाह ताला सूरह बकरा के शुरू में मुख्तलिफ ग्रोह जिक्र करने के बाद तमाम इंसानों को मुखातब करके फरमा रहे हैं कि लोगों, अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। अब जारी बात है, अगर इंसान गौर करे तो इबादत के लायक वही हस्ती है जिसने हमें पैदा किया, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि तुम्हें भी पैदा किया और तुमसे बाद जो तुमने भी पैदा किया और तुमसे पहले जो लोग गुजर चुके उनको भी पैदा किया, ताकि तुम मुत्तकी बनो, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह का खौफ रखने वाले बन जाओ और आखिरत में अल्लाह के अजाब से बच जाओ। अच्छा, वो आगे अब अल्लाह ताला जो है वो अपनी जो है वो मखलूकात का जिक्र फरमा रहे हैं। अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ध फिराशन वस्समाअ बिनाअ वअंज़ला मिनस्समाअ मा'अन फअख़रज बिही मिनथ्थमरात रिज़्क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा वअंतुम तअलमून। वो परवरदिगार जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया और आसमान को छत और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए तुम्हारे रिज़्क़ के तौर पर फल निकाले, लिहाजा अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ जबकि तुम चीज सब जानते हो। अच्छा, अब ये देखें, पहले हमने देखा था अल्लाह ताला ने शुरू किया सूरह फातिहा का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुल शुक्र उस रब का जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए लोगो, उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक,
उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और ये सारी चीजें। अब ये देखें, ये आलमीन की तफसील है ना, रब्बुल आलमीन में, आलमीन में सब चीजें शामिल थी, इंसान, जिन, चरिंद, परिंद, जो है वो आसमान जमीन तमाम मखलूकात को अल्लाह ताला ने एक कलमे में बयान उसका जो है वो इजमालन जिक्र किया अपनी जो है वो सिर्फ अल्लाह की सिफत के तौर पर। तो यहाँ भी अल्लाह ताला जो है वो उसकी इसको अगर आप उसके साथ जोड़ लें तो ये आलमीन की तफसील है, इंसानों को पैदा किया हमें भी और हमसे पहले जो है और जो हमसे बाद में आएंगे वो भी अल्लाह ही पैदा करेंगे, और आसमानों और जमीन को पैदा किया। और इसमें ये भी एक इशारा है कि ये गौर करो कि जिस रब ने तुम्हारे लिए जमीन पैदा की, तुम्हारे लिए आसमान बनाया, और ये सब कुछ जो जमीन से निकलता है वो तुम्हारे लिए पैदा किया। अच्छा, हमारे लिए पैदा किया तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है इबादत। यहाँ अल्लाह ताला जो है वो हुक्म के तौर पर बयान फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों अल्लाह की इबादत करो, और फिर एक जगह अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि इंसानों और जिन्हों को नहीं पैदा किया मैंने सिवाय अपनी इबादत के। तो हमारा जो मकसद है तख्लीक है इंसानों का, या जिस मकसद के लिए पैदा किया अल्लाह ताला ने, वो अल्लाह की इबादत है। और इस जिंदगी का, ये जमीन चांद जो है वो, इस जिंदगी को और मौत को पैदा किया हमारी आजमाइश के, कि हम अल्लाह अल्लाह जब हमें भेजते हैं यहाँ तो हम कैसा रवैया इख्तियार करते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं नहीं रखते हैं, नेक लोगों में होते हैं कुफार में होते हैं या मुनाफिकीन में होते हैं, ये हमारे इख्तियार में। तो आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सारी चीजें जिस रब ने पैदा की हैं वही असल खालक है, इबादत के लायक है, उसके साथ किसी को शरीक मत रहो, तुम जानते हो, मतलब हम सब जानते हैं, तमाम इंसान सिवाय चंद एक हो, चंद होंगे जो अल्लाह का बिल्कुल वाजी इनकार करते होंगे, वरना अक्सरियत तो जो है वो अल्लाह पर ईमान रखने वालों की आज भी। तो क्या कहते हैं उसको, लेकिन अल्लाह के साथ मुख्तलिफ किस्म के शरीक घर रहते हैं, सब जानते हैं कि हमें भी अल्लाह ने पैदा किया, आसमान को भी अल्लाह ने पैदा किया, जमीन को भी अल्लाह ने पैदा किया, ये जो चीजें जमीन से पैदा होती हैं ये सब अल्लाह ने पैदा की हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये जानते हुए भी हम उसके साथ, इंसान जो है वो उसके साथ शरीक ठहराते हैं। तो इसके जो है, इस जो शरीक ठहराना है, इसके मुतालिक काफी अहादीस भी हैं, सहीहैन में हदीस है, सैयदना इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा गुना कौन सा है? फरमाया अल्लाह ताला के साथ जो तुम्हारा खालिक है किसी को शरीक ठहराना। तो अल्लाह ताला का निद बनाना, शरीक ठहराना जो है वो सबसे बड़ा गुना है, और अल्लाह ताला बार बार ये कुरान में फरमाते हैं कि तमाम गुना माफ किए जा सकते हैं लेकिन शिर्क जो है वो अल्लाह ताला नहीं माफ करते, इल्ला के उस शिर्क से जो है वो इंसान शिर्क को छोड़ दे और ईमान ले आए। इसी तरह सैयदना माद रजी अल्लाह अनुमा वाली हदीस में है, जानते हो कि अल्लाह का हक बंदों पर क्या है, ये कि उसी की इबादत करें और किसी को उसकी इबादत में शरीक न करें। तो इसी तरह तिफ्ल इब्ने संजरा उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अनुहा के सौतेले भाई फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में चंद यहूदियों को देखा और उनसे पूछा तुम कौन हो, उन्होंने कहा तुम भी अच्छे लोग हो लेकिन अफसोस तुम कहते हो जो अल्लाह चाहे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे। फिर मैं नसरानियों की एक जमात के पास गया और उनसे भी इसी तरह पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया, मैंने उनसे कहा अफसोस तुम भी मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हो, उन्होंने उन्होंने भी यही जवाब दिया, मैंने सुबह अपने इस ख्वाब का जिक्र कुछ लोगों से किया, फिर दरबारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर आप से भी यही ख्वाब बयान किया। आप ने पूछा क्या किसी और से भी तुमने इसका जिक्र किया है, मैंने कहा हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप खड़े हो गए और अल्लाह ताला की हमदो सना बयान की और फरमाया तुफैल रजी अल्लाह अन्हु ने एक ख्वाब देखा और तुम में से बात को बयान भी किया, मैं चाहता था कि तुम्हें इस कलमा के कहने से रोक दूं लेकिन फलाम फलाम कामों की वजह से मैं अब तक ना कह सका, याद रखो अब हरगिज हरगिज अल्लाह चाहे और उसका रसूल कभी ना कहना, बल्कि यूं कहो कि सिर्फ अल्लाह ताला अकेला जो चाहे। अच्छा, इससे भी ये अंदाजा लगाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब की तबीर यही फरमाई है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि इसको बदल दिया जाए, इस जुमले को जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला को एक ही जुमले में बयान कर रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना कर दिया। अब इससे अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के रसूल जो है वो ये भी नहीं चाहते कि मैं एक जुमले में मेरा नाम अल्लाह के साथ लिया जाए एक ही कैटेगरी में या एक ही किस्म में, जैसे अल्लाह का चाहना और रसूल का चाहना बराबर हो गया।
इसी तरह जो है वो असलन जो निद होते हैं, जो निद बनाता है इंसान, वो अल्लाह की मखलूकात में ही सी कुछ में जो है वो गुलू करने, मोहब्बत की गुलू, खौफ या किसी भी वजह से उसकी असल जो पोजीशन होती है मखलूक में उसको बढ़ा के अल्लाह के बराबर ले गई। जैसे नसारा ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया, और कुछ तो कुछ ने अल्लाह ही बना लिया कि अल्लाह ही का जो है वो तस्लीस का उनका जो बड़ा अजीबोगरीब अकीदा ये है कि वो एक भी है तीन भी है, तो वो तस्लीस के अकीदे में उसको जो है ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ही बना लिया, अल्लाह का जरूर बना लिया। तो इसमें जो है वो मुसलमानों में भी ये गुलू पाया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी ऐसी सिफात जो है मंसूब करना जो अल्लाह के लिए खास है। तो किसी भी मखलूक में, किसी भी इंसान में जो है वो ऐसी सिफ या ऐसी कोई भी जो है वो चीज मानना जो अल्लाह के लिए खास है वो शिर्क में शामिल होता है। तो इससे जो है वो अल्लाह ताला ने भी मना किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी बिल्कुल वाजिए मना है। तो इबादत की जाएगी सिर्फ रब, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वद'ऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। पर अगर तुम इस कुरान के बारे में जरा भी शक में हो जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है, तो इस जैसी कोई एक सूरत ही बना लाओ, और अगर सच्चे हो तो अल्लाह के सिवा अपने तमाम मददगारों को बुला लो। अच्छा, उस इसको भी अगर आप जो है वो इसका जो है वो जोड़ना चाहें तो उस आयत के साथ सूरह बकरा की जो है वो शुरू में अल्लाह ताला जो फरमाते हैं ला रैब फीही अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस किताब में कोई शक नहीं। तो यहाँ दूसरे अंदाज में अल्लाह ताला, वहाँ अल्लाह ताला ने ऐलान किया है अपनी तरफ से कि इस किताब में कोई शक नहीं है, यहाँ अल्लाह ताला जो है वो उन बंदों को मुखातिब करके फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई शक को शुबा है तो जो है वो तुम इस जैसी कोई सूरत ले आओ। अब जारी बात है यहाँ सूरत नकरा है, तो मुफस्सरीन जो है वो इस तमाम मुफस्सरीन का तकरीबन इजमा है कि इससे कोई भी सूरत मुराद है, वो तीन आयात की छोटी से छोटी सूरत भी इससे मुराद हो सकती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में भी आता है कि जो मौजजा है, जो मुख्तलिफ अंबिया को मौजजा दिया गया, तो मौजजे दिए गए मुझे जो है वो कुरान मौजजे के तौर पर दिया गया, और मैं इस वजह से उम्मीद करता हूँ कि मेरी उम्मत की तादाद जो है तमाम अंबिया की उम्मतों से ज्यादा होगी। अच्छा, जो हिस्सी मौजजे होते हैं जैसे ईसा अलैहि सलाम के थे कि कोढ़ी को ठीक कर देना, मुर्दा को जिंदा कर देना, बीमार को तंदुरुस्त कर देना अल्लाह के हुक्म से, वो जो है जैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए वो खत्म हो गए, लेकिन ये कुरान एक ऐसा मौजजा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला लेकिन आज तक ये जिंदा है और क्यामत तक ये ऐसे ही रहेगा। ये अल्लाह का मौजजा आज भी है, आज से 1500 साल पहले भी था और क्यामत तक ये ऐसे ही मौजजा रहेगा। तो ये जो है ये चैलेंज है। अच्छा, मौजजा जो है वो आमतौर पर इसी कहते हैं जो चीज़ आजिज कर दी इंसानों को, अल्लाह ताला को ये ऐसी जो है वो बात का जहूर करें जो इंसानों को आजिज कर दे। अब इस दावे ने या इस जो क्या चैलेंज ने तमाम इंसानों को आजिज कर दिया। हम तमाम लोग जो तारीख से वाकिफ हैं कि जो अरब हैं वो अपने आप को अरब कहते थे और दूसरों को अजम, अजम मतलब कि उनको कि वो बोलने के लायक नहीं है, खुद उनको अपनी जुबान पर, अपने खिताबत पर, अपनी जो है वो शेरी सलाहियत पर बड़ा मान था। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि तो अल्लाह ताला उनको भी बिल्कुल वाजे चैलेंज फरमा रहे हैं कि तुम जो है वो इस तरह की कोई सूरत ले आओ। अच्छा, तुम अकेले नहीं ला सकते तो जो भी तुम्हारे दोस्त हैं, जो भी तुम्हारे जो है वो इस मामले में मददगार हो सकते हैं अल्लाह के अलावा, सबको इकट्ठा कर लो जो है वो, तो कोई भी एक सूरत इस तरह की ले आओ, ये चैलेंज है। लेकिन यह है कि ये चैलेंज किसी ने भी कबूल नहीं किया। तो अब देखें मसलन इसमें जो है वो एक चीज गौर करने की है, आज भी अच्छा ये एक चैलेंज है, अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं ना। तो हमारे यहाँ बाद लोग ये हैं कि वो अगर उनको मुसलमानों में ऐसे लोग हैं कि अगर उनके सामने ये आयत पेश की जाए तो वो इसे कोई बड़ा चैलेंज नहीं समझते, वो इसे एज ए कुरान के सबूत के तौर पर नहीं समझते, कोई अहम चीज नहीं समझते। हालांकि वो चीज जो अल्लाह ने चैलेंज के तौर पर पेश किया है, अगर मैं कोई चीज दलील के तौर पर पेश करूँ किसी काफर के सामने या ईमान के लिए, तो वो तो कोई कंपैरिजन नहीं रखता, उसका इससे का साथ कोई तकाबल नहीं है। अल्लाह ताला ने जो लोग भी कुरान के बारे में शक व शुबा में मुबतला है, दलायल काफी दिए जा सकते हैं, उसके मुस्बत दलायल हैं, कोई जो है वो अहकाम हैं या मुख्तलिफ किस्म के दलायल दिए जा सकते हैं, या जो लेकिन जो चैलेंज की पोजिशन है जो हाँ या ना की सूरत में पैदा होता है, तो अल्लाह ताला वो चैलेंज यही दे रहे हैं।
अगर कोई भी इंसान आज तक या आज से आने वाला आज के बाद जो आएगा अल्लाह के इस कलाम के बारे में शक में है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं, तो उसको ये चैलेंज मौजूद है कि वो इस तरह की कोई एक सूरत भी कुरान जैसी कोई ले। अच्छा, इसमें जो है वो जारी बात है, वो चैलेंज जो है इसकी फसाहत व बलागत, इसके मजमून, उसकी खूबसूरती और तमाम चीज़ों को शामिल है। बाद लोगों ने जो है वो अजीब अजीब मसखरा किस्म का जो है वो किस्म की जो है वो कोशिशें की हैं। जैसे एक बात लोगों ने कोशिश की, जैसे अलकारिया तुम अलकारिया उसके वजन पर अलफीलो मलफीलो, तो ये इस तरह की जो है वो कुछ कोशिशें हुई हैं। तो एक कोशिश में उन्होंने कसीर ने जो है वो मुसलमा कजाब की भी जिक्र की थी, लेकिन वो भी अजीबो गरीब थी। अमर इब्ने आस रजी अल्लाह तआला ने उसके सामने सूरह असर पेश की, अभी वो मुसलमान नहीं होते, तो उससे पहले की बात है, ये इब्ने कसीर रहमल्ला ने रवायत की है। तो उसमें फिर जब उसने जो दो तीन जो है वो पढ़े अशार, तो अमर रजी अल्लाह तआला ने उसे खुद ही कहते हैं कि ये तुमने क्या पढ़ा है, इसका कोई उससे मुकाबला है? वो कितनी फसीह बलीग और वाजे कलाम है और तुम ये क्या कर रहे हो? तुम कहते हो कि मैं भी वो जो है वो उस तरह की किताब ला सकता हूँ। इसी तरह एक जो है वो शायद नुमान अली खान ने अपने प्रोफेसर की मिसाल किसी की जिक्र की थी कि उससे उन्होंने सवाल किया कि आप जो है वो जहन्नम की वसत को बयान करें कि किस तरह बयान करें, किस असलूब से अरबी में बयान करेंगे, अरबी का प्रोफेसर। तो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं जब उसे मैंने बताया कि कुरान ने इसको इस तरह बयान किया है कि हल इम्तला थी फतकूल हम हल में मजीद, कि जब अल्लाह ताला ने जहन्नम से कहा कि तुम भर गई हो, तो वो आगे से कहती है कि क्या अभी कुछ वजीर है, तो ये उसकी वुसत की तरफ अंदाज है। तो वो कहते हैं कि मतलब कोई मैच ही नहीं है कि जो उस प्रोफेसर जो है अरबी अरबी बुक के प्रोफेसर ने जो कोशिश की थी उसकी और इस आयत की, जो अल्लाह ताला ने जहन्नम की वुसत के लिए बयान फरमाया कहा है। तो ये आज भी चैलेंज है, अगर आपको कोई भी जो है वो कुरान के बारे में सवालात करे गैर मुस्लिम, तो आप उसे ये चैलेंज के तौर पर आयत पेश पेश कर सकते हैं, मुसलमानों में हो या गैर मुस्लिम। अगर किसी को कोई शक है कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं करता, अल्लाह का कलाम नहीं है, तो वो इस जैसी सूरत ले आए, झगड़ा खत्म, या फिर कबूल कर लो। चैलेंज का मतलब यही होता है ना, या आप उसको मान जाए या उस चैलेंज को पूरा कर। अच्छा, आगे अल्लाह ताला खुद ही बताते हैं, फा इन लम तफअलू वलन तफअलू फत्तकुन नार अल्लती वकूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिलकाफिरीन, फिर भी अगर तुम ये काम ना कर सको और यकीनन कभी ना कर सकोगे, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, वो काफिरों के लिए तैयार की गई। तो इसमें अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली बता दिया है हमारे लिए भी और जो भी इसके मुखातिब हैं, तो कुफार हैं जो मानते हैं नहीं मानते, सबके लिए कि ये अल्लाह का कलाम है। अगर कोई नहीं मानता, इसके शको शुभ में मुबतला है, तो वो इस जैसी सूरत ले आए, लेकिन अल्लाह ताला ये बता रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल वाजे तौर पर कि वो नहीं ला सकेगा, चाहे सारे के सारे इंसान इकट्ठे हो जाएं, जिन इंस इकट्ठे हो जाएं, आजकल ये जो नई टेक्नोलॉजी है AI वगैरह सब कर लें, लेकिन ये इस तरह का कुरान नहीं ला सकते। وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار, और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, उनको खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बागात तैयार हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। कुल्लम और रुज़िकु मिन्हा मिन थमरत रिज़्कन क़ालू हाज़ा अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, जब कभी उनको इन बागात में से कोई फल रिस्क के तौर पर दिया जाएगा, तो वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था, वह ऊतु बिही मुतशाबिहा, और उन्हें वो रिस्क ऐसा ही दिया जाएगा जो देखने में मिलता जुलता होगा। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फीहा खालिदून, और उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो उन बागात में हमेशा हमेशा रहे। तो अगर आप देखें ये उसलूब कुरान पाक का, जैसे जैसे चलेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये ऐसे ही चलता है। जहाँ सजा का जिक्र है, वहाँ जजा का, नेकी के बदले का भी जिक्र है। जहाँ कुफार के लिए जो है वो डर है अजाब का, वहाँ मोमिनीन के लिए जन्नत और जो है वो उसकी नेमतों की खुशखबरी भी। तो इस आयत में जो है वो अल्लाह ताला मोमिनीन को खुशखबरी दे रहे हैं, वो जिन जो नेक अमाल करते हैं। अच्छा, ये भी एक चीज आप नोट करेंगे कि ईमान के साथ अमले साले जुड़ा हुआ आएगा, हमेशा ईमान के साथ अमले साले जुड़ा आएगा, उसके साथ फिर आगे जो है वो जन्नत की बशारत है, उसमें पाई जाने वाली नेम से। तो
तो इसमें जो नेमत जिक्र की जा रही है कि वहां जो उनको फल दिया जाएगा, इसकी मुख्तलिफ तफसीर की है मुफसरीन ने। एक तो ये कि वहां जन्नत में ही जो फल दिया जाएगा वो देखने में एक जैसे होंगे लेकिन जायके में मुख्तलिफ होगा, या ये भी कहा जा सकता, कहा बात मुफसरीन ने कि यहाँ जो हम फल इस्तेमाल करते हैं तो इस दुनिया के फलों जैसा कोई फल दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ये तो हम दुनिया में भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसका जायका मुख्तलिफ होगा। तो उनके लिए पाकिजा बीवियां भी हैं, वहम भी अकालिदून, और वो हमेशा रहे। अब ये हमेशा जो रहने वाला है ना, इस पे इंसान को अक्सर गौर करना चाहिए, अक्सर, कि ये आरजी जिंदगी है, इसने खत्म हो जाना है, वहां अजाब है या अल्लाह की जजा है, जन्नत है या जहन्नम है, और वो हमेशा के लिए। हम थोड़ी सी आसाइश के लिए अपनी हमेशा की जिंदगी को क्यों बर्बाद करें, ये इंसान को अपने आप से हमेशा पूछते रहना चाहिए। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिब मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा, बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो किसी बात को वाजे करने के लिए कोई भी मिसाल दे, चाहे वो मच्छर जैसी मामूली चीज की हो। फअम्मल्लज़ीना आमनू फयालमून अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम, या किसी ऐसी चीज की जो मच्छर से भी ज्यादा मामूली हो। अब जो लोग मोमिन हैं वो खूब जानते हैं कि ये मिसाल एक हक बात है जो उनके परवरदिगार की तरफ से आई है। وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, مگر وہ گمراہ انہیں کو کرتا ہے جو نافرمان۔ तो इस आयत में अल्लाह ताला एक एतराज का जो है वो जवाब नकल कर रहे हैं। जहरी बात है, वो एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है कि ये जिनको तुम पूजते हो ये तो मक्की अगर उनके सामने से खाना लेके उड़ जाए तो वो उसको पकड़ नहीं सकते, उसको पकड़ने की, उससे वापस लेने की सलाहियत नहीं रखते, तो तुम्हें क्या देंगे। इसी तरह वो मकड़ी के जाले की एक जो है वो मसाल है। तो उन मसालों पर जो है वो बात जो है मुनाफिकीन वगैरह ने या कुफार ने जो है वो ये लहजा इख्तियार किया कि ये अल्लाह ताला का कलाम है और ये इस तरह की हकीर मसाले बयान करने का क्या मकसद। तो उससे ये उसको उसका जवाब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मिसाल हकीर देने में जो है वो जिस चीज की मिसाल दी जा रही है वो हकीर है या बहुत आला है उनके ख्याल में। वैसे तो सारी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन यह है कि असल चीज ये है कि मिसाल उस मुद्दे के मुताबिक होगी जो समझाना है। फसाहत और बलागत का भी जारी बात है, यही उसूल होगा कि मिसाल वैसी दी जाएगी कि एक बंदा जो आपका मुखातब है उसको समझ आ जाए, जैसा उसका फहम है, जैसा मौका है, उस महल के हिसाब से, मौके महल के हिसाब से मिसाल दी जाएगी। तो असल मकसद मिसाल से बात को समझाना है, जो है वो उस चीज का जिक्र मकसूद नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इससे अल्लाह ताला को फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह और जो मोमिनीन है उनको भी फर्क नहीं पड़ता, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और इस किताब पर ईमान रखते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हो रही है, वो अल्लाह ताला जो भी अहकाम नाजिल करें वो यही कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हक नाजिल हुआ। लेकिन मसला क्या है, असल में ये कट उजड़ी है। जब आपके पास कोई जवाब ना हो, जैसे ये पीछे जिक्र हुआ कि इस जैसी कोई ले आओ सूरत, वो तो लाने से रहे, लेकिन यह है कि मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इस पे एतराजात करते रहेंगे। तो ये ऐसे एतराजात आपको जो है वो नजर आ जाएंगे, जदीद जो मुस्तशरिकीन है या जिन लोगों ने कुरान पर नकद किया है वो भी इसी तरह करेंगे। अब जारी बात है, एक बंदा जो मुस्तशरक है या इंटेलेक्ट है या काफर है, वो कुरान पर नकद की खातर पढ़ रहा है कि मैंने इसमें तरकीब करनी है, कीड़े निकालने हैं, तो उसको ये आयत तो उसके सामने से गुजरती होगी ना कि अगर तुम्हें शक है कि ये अल्लाह की किताब नहीं है तो इस जैसी कोई सूरत ले आओ। अच्छा, उस पर गौर नहीं करना, उसको जो है वो चैलेंज को कबूल नहीं करना, लेकिन जो है उसके इर्द गिर्द जो मुतशाबिहात हैं, जो इन चीजों में जो है वो पढ़ के अल्लाह ताला के कलाम पर इतराजात करने हैं, जैसे ये कुफार का एक इतराज अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला गुमराह नहीं करते मगर फासिकीन को। الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون। अच्छा, ये फासिकीन की आगे डिटेल है, वो जो अल्लाह से किए हुए अहद को पुख्ता करने के बाद भी तोड़ देते हैं और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें काट डालते और जमीन में फसाद मचाते हैं, ऐसे ही लोग बड़ा नुकसान उठाने वाले।
अब एक तो अल्लाह से तमाम इंसानों ने अहद किया हुआ है, अहद अलस जिसे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों से जो है वो कत्थे अहद लिया था कि अलस तो रब को हम सब ने कहा थे कि भला आप ही हमारे रब हैं। तो अब उस रब जब उसके तरफ से दावत आई, रसूल आए, अल्लाह का कलाम आया, मानने का जो है वो टाइम आया तो उसने इनकार कर दिया। तो इसी तरह जो है वो आगे है कि वो अल्लाह जिस चीज को जोड़ने का हुक्म देता है उसको जो है वो तोड़ते हैं। अब इसमें जो है वो सारी चीजें शामिल है, रहमी रिश्ते भी हैं और अल्लाह ताला जिन चीजों को भी जोड़ने का हुक्म देता है वो इसमें शामिल होगी। तो अब ये आप देखें ना, अगर आप गौर करें तो रिश्तों को तोड़ना जो है वो अबू लहब की सुन्नत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत शुरू की, दीन की दावत देनी शुरू की, तो उनके चचा ने रिश्ता तोड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह का हुक्म रिश्ता तोड़ना नहीं है। लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द गौर करें तो आपको ये मुसलमानों में ऐसे लोग मिल जाएंगे वो जो बाहम छोटे छोटे झगड़ों से जो है वो रिश्तों को तोड़ देते हैं। झगड़ा कोई होगा, रिश्ता कहीं टूट जाएगा। अच्छा, इसमें अगर आप गौर करेंगे ना, एक तो होता है चौधरी, एक जिसको हम अपने जो है वो माशरे में चौधरी साहब कहते हैं, वो इसमें पेशकश होता है। फिर वो चौधरी और उसके उसने जो है वो मजहबी लबादा भी ओढ़ा हो तो आपको वो भी इसमें पेश पेश नजर आएगा कि जो है वो रिश्तों को तोड़ने में, जोड़ने में नहीं। तो इस जो है वो तमाम लोगों को गौर करना चाहिए, हमें भी अपने करेक्टर पर, और क्या कहते हैं मुसलमानों को भी, कि हमारा किरदार कहीं इनका कुफार जैसा तो नहीं है। क्या हम अबू लहब की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अच्छा, जो रिश्तों में झगड़ा है, बाहमी क्या कहते हैं चपकलश है, ऊंच नीच है, ये इंसानों में खत्म नहीं हो सकता। लेकिन उसकी बुनियाद पर जो है वो रिश्तों को तोड़ देना, मियाँ बीवी में जो है वो जुदाई डालने की कोशिश करना, ये बिल्कुल हमारी दीन के मंशा के खिलाफ है। बल्कि यहाँ आप देख रहे हैं अल्लाह ताला ने फासिकीन की सिफत के तौर पर बयान किया और उसे फसाद से जो है वो ताबीर किया है कि जो भी जारी बात है रिश्तों में दरार डालेगा, माशरे में इस तरह की कोशिश करेगा तो वो फसाद फैला रहा है। तो ऐसे लोग जो है बड़ा नुकसान उठाने वाले। कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम थुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम अल्लाह के साथ कुफर का तर्ज अमल आखिर कैसे इख्तियार कर लेते हो, हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर वही तुमको दोबारा जिंदा करेगा और फिर तुम उसी के पास लौट कर जाओ। तो ये अल्लाह ताला देखें कि ऐसे जो है वो अजीब अंदाज में, एक सवालिया अंदाज में हमसे पूछ रहे हैं इंसानों से कि किस तरह तुम अल्लाह से जो है वो कुफर कर सकते हो जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें फिर मौत देगा, फिर पैदा करेगा और फिर उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो इंसान को जो है ना वो बार बार इन चीज़ों पर गौर करते रहना चाहिए कि कहीं हम अल्लाह ताला की किसी जो है वो चीज़ क्या और उसमें काफिरों को सिफात तो नहीं हमने पाई जा रही। هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا, वही है जिसने जमीन में जो कुछ है तुम्हारे लिए पैदा किया। ये पीछे भी गुजर चुका कि उसने जमीन पैदा किया, आसमान पैदा किया और उससे फल जो है वो जो जितने फल वगैरह निकलते हैं जो भी है वो भी तुम्हारे लिए पैदा किया। यहाँ दोबारा अल्लाह ताला उसे दोहरा रहे कि तुम कैसे उस रब का जो है वो इनकार कर सकते हो जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें फिर जो है वो मौत देगा, फिर पैदा करेगा और उसने ही जो है वो जो कुछ जमीन में है सब का सब जो है वो तुम्हारे लिए पैदा किया। तुम मस्तवा इला समाए फसवाहु नौ सबा समावात, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, चुनाचे उनको सात आसमानों की शक्ल में ठीक ठीक बना दिया। वह हुआ बिकुल शैइन अलीम, और वो हर चीज का पूरा इलम रखेगा। तमाम जो है वो अहकाम बताने के बाद, तमाम जो है वो क्या कहते हैं गाइडलाइन देने के बाद, हिदायत देने के बाद अल्लाह ताला आखिर में बयान फरमा रहे हैं ये सुकू के आखिर में कि अल्लाह हर चीज का इलम रखने वाला है। तुम क्या कर रहे हो जो है वो, तुम नेक अमल कर रहे हो, बुरे अमल कर रहे हो, ठीक चल रहे हो, गलत चल रहे हो, तुम्हारा ईमान किस तरह का है। क्योंकि दरअसल हम अल्लाह को तो नहीं धोखा दे सकते, इंसानों को तो दे सकते हैं। तुम्हारा तर्ज अमल कैसा है, अल्लाह पर ईमान का दावा सच्चा है नहीं सच्चा, जो तुम काम कर रहे हो जाहिरी काम जितना भी नेक हो वो इखलास के साथ है या रियाकारी के साथ है, ये सारी चीजें अल्लाह जानते हैं। अल्लाह ताला ये भी जानते हैं कि जो है वो मेरी उम्र कितनी होगी, किसी इंसान ने कितनी देर जहाँ जिंदगी गुजारनी है, कब मरना है और उसका अंजाम क्या होगा। तो अल्लाह तो ये सब बातें जानते हैं। और इससे ये भी एक चीज जो है वो जहन में जो है वो रहनी चाहिए
जैसे आजकल तो इजी है समझना कि सिक्योरिटी कैमरा लगे हुए हैं, तो वो सारी जहाँ सिक्योरिटी कैमरा लगा वहाँ थोड़ा बंदा जो है वो मुतनबी हो जाता है, ठिठक के या ध्यान से खड़ा होता है। अब ये बात देख लें कि अल्लाह ताला तो हर वक्त देख रहा है, हर चीज जानने वाला है, तो इंसान को जो है वो किसी वक्त भी किसी लम्हे भी अल्लाह की याद से गफलत जो है वो मुसलमान के शाने शयान नहीं है। अल्लाह ताला की जो है वो अल्लाह ताला का इस्तेज़ार, अल्लाह ताला जो है वो मैं अल्लाह की नजरों में और अल्लाह मेरे बारे में सब कुछ जानने वाला है, ये इस्तेज़ार रहेगा तो इंसान जो है वो उसका अमल दुरुस्त रहेगा। अगर कहीं उनसे उससे गलती हो जाएगी तो वो दोबारा वापस फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करेगा, तौबा करेगा। तो इसमें भी जो है वो आगे अल्लाह ताला ने इबादत इस रुकू में तमाम इंसानों को मुखातिब करके कहा कि उस रब की इबादत करो जिसने पैदा किया, और फिर जो है वो मना किया कि उसके साथ शरीक मत ठहराओ किसी को। और ये जारी बात है, ये जो आयात अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र की है ये गौर और फिक्र के लिए है कि गौर करो जिसने जमीन पैदा की, जिसने सूरज पैदा किया, तो वो कितना बड़ा खालिक है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें फिर मौत देगा, फिर जिंदा करेगा, फिर उसकी तरफ लौट के जाना। अच्छा, उसकी तरफ लौट के जाने में एक इशारा ये भी मौजूद है कि जारी बात है यहाँ हम तो बेमकसद तो नहीं आए ना, अल्लाह ताला के अहकाम पूरा करने के लिए आए, अल्लाह की इबादत के लिए आए। तो जब वहां लौट के जाएंगे तो अल्लाह ताला पूछेगा ना कि तुम्हें जो है वो जिंदगी दी थी मैंने 30 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, 150 साल, जमीन पे तुम गुजार के आओ, बताओ जरा क्या किया है। वो हदीस में आता है ना, चार सवालों के जवाब जो है वो जब तक आप इब्ने आदम नहीं देगा उसके पाँव नहीं उखड़ेंगे, कि उम्र कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी, माल कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया।